वेलकम टू आवर YouTube चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन से। सबसे पहले MCQ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं एंड इनमें से हमें ये पूछा गया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के फिनोटिपिक रेशियो हमें लिखना है, ठीक है। तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, इट मींस वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में F1 जनरेशन में हमें जितनी भी प्रोजेनीज मिलती है वो सभी जो है डोमिनेंसी शो करती हैं। एंड जब हम F1 जनरेशन के सारे प्रोजेनीज को सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन जो है उसमें हमें रेशियो मिलता है 3:1 का, जहाँ पे तीन जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं एंड एक प्रोजेनी जो है वो क्या शो करती है, रेसेसिव कैरेक्टर, जो कि हिडन है F1 जनरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फिनोटिपिक F2 जनरेशन का जो रेशियो बनेगा वो होगा 3:1 का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ प्योर डॉफ प्लांट द ऑफ स्प्रिंग विल बी, ठीक है। क्या कहा गया है, हम प्योर डॉफ प्लांट ले रहे हैं एंड हम प्योर टॉल प्लांट ले रहे हैं, दोनों की हमने क्रॉसिंग कराई है। अब उससे जो ऑफ स्प्रिंग आ रही है वो क्या होगी, सभी टॉल होंगी, सभी डॉर्फ होंगी, या 3 tall 1 dwarf, या 50-50 का रेशियो चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्योर टॉल के लिए हम कैपिटल टी लेंगे एंड प्योर डॉर्फ के लिए हम स्मॉल टी लेंगे, ठीक है। जब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी तो F1 जनरेशन जो हमें मिलेगी वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिलेगी, जो कि हेट्रोजाइगस है, ठीक है। सो, इसकी वजह से जो ऑफ स्प्रिंग होंगी वो सारी के सारी कैसी होंगी, टॉल होंगी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है जो कि अपनी डोमिनेंसी शो करेगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल टॉल। थर्ड क्वेश्चन इज 9:3:3:1 डायहाइब्रिड रेशियो इज ड्यू टू। जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं उस टाइम पे जो हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलता है वो मिलता है 9:3:3:1 का, ठीक है। तो ये किस केस में मिलेगा, सेग्रीगेशन में मिलेगा, क्रॉसिंग ओवर में मिलेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या होमोलोगस पेयरिंग में मिलेगा, ठीक है। सो ये जो रेशियो है ये हमें मिलेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। क्यों, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट कलर एंड शेप को, ठीक है। तो यहाँ कलर एंड शेप ये दो कैरेक्टर्स हैं एंड इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए इनके अपने जीन्स होंगे, ठीक है। सो ये दोनों जीन्स जब सेपरेट होंगे, गैमेट्स बनाएंगे, तो इनका जो सेपरेशन होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। इसकी वजह से हमें इस तरीके का रेशियो देखने को मिलेगा एंड ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ही दिखाई देगी। इसके बाद है अ प्लांट विथ ग्रीन पॉट्स एंड स्मूथ सीड्स विथ जीनोटाइप कैपिटल जी स्मॉल एस स्मॉल एस विल गिव राइज टू द फॉलोइंग गैमेट्स। यहाँ हम प्लांट्स के दो कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, सबसे पहला है पॉड कलर एंड दूसरा है पॉड शेप, स्मूथ या क्या, ठीक है। तो यहाँ जो हमें जीनोटाइप दिया गया है वो है कैपिटल जी स्मॉल एस स्मॉल एस। सो अब जब इसका क्रॉसिंग ओवर होगा या इससे हम गैमेट्स किस तरीके के बना सकते हैं, ठीक है। तो गैमेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें जो है सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉड कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं स्मॉल एस एंड स्मॉल एस यहाँ पे सीड की स्मूथनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कैपिटल जी विथ स्मॉल जी एंड स्मॉल जी विथ स्मॉल एस, तो हमारा जो गैमेट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 विद देयर एक्सप्लेनेशंस इन कॉलम 2।
ये मैच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जहाँ पे कॉलम वन में हमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं एंड कॉलम टू में उनके एक्सप्लेनेशन है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किस टर्म का। सबसे पहला है जेनेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर थ्री में कि स्टडी ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स एक ऐसा टर्म है जहाँ पे हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन जो है ट्रांसफर होते हैं या पास ऑन होते हैं, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर होगा कॉलम थ्री, कॉलम टू से ऑप्शन नंबर थ्री। इसके बाद है ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स क्या होते हैं, हमारे पूरी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से पूरे के पूरे 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। मतलब वो एक जैसे होते हैं तो उन्हें हम ऑटोजोम्स कहते हैं। बाकी जो डिफरेंस आता है वो 23rd क्रोमोसोम्स में आता है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रोमोसोम्स अदर देन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोजोम्स। नेक्स्ट इज रेसेसिव जीन्स। रेसेसिव जीन्स क्या होते हैं, ये वो जीन्स होते हैं जो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब ये पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अ जीन दैट कैन एक्सप्रेस ओनली व्हेन इन अ सिमिलर पेयर। इसके बाद है एलील। एलील क्या होते हैं, एलील्स आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स सिमिलर इन साइज एंड शेप आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसके बाद नेक्स्ट है नेम एनी टू जेनेटिक डिजीज इन ह्यूमंस। हमें ह्यूमंस में कोई भी दो जेनेटिक डिजीज बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जेनेटिक डिजीज हम लिख लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद सेकेंड आ जाएगा हेमोफीलिया। तो ये दो जेनेटिक डिजीज हो गए ह्यूमंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड विच वन होमोजाइगस रेसेसिव इन रिगार्ड टू टंग रोलिंग, ठीक है। यहाँ पे हमें तीन फॉर्म्स दिए गए हैं, अब इन तीनों में से बताना है कि होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा है, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम किसी डोमिनेंट को कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। होमोजाइगस का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए आएगा टर्म कैपिटल आर, कैपिटल आर। वही होमोजाइगस रेसेसिव के लिए आएगा स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है, इन रिगार्ड टू टंग रोलिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप, जहां पे है फर्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोटाइप फिनोटाइप कैरेक्टर एंड ट्रेट मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इन फिनोटिपिक रेशियो इन एफ टू जनरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स में डिफरेंस। सो जीनोटाइप्स क्या है, इट इज अ जेनेटिक मेकअप एंड इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक ऑर्डर क्या है, मतलब उसमें जो जीन्स हैं या गैमेट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, उसको जो है हम जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशंस। किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है एंड वो कभी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से या इन्वायरमेंटल कंडीशन से वो अफेक्ट नहीं होता। जैसे जीनोटाइप क्या होगा, अगर हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं कि कोई प्लांट टॉल है, ठीक है, अब वो जो टॉल है उसके पीछे कौन सा जीन है, ठीक है। अगर टॉल के लिए हम मोस्टली कैपिटल टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता प्लांट को फिजिकली या देख के ऑब्जर्व करके कि वो कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये कैपिटल टी भी हो सकता है, यहीं पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है ये दोनों क्या कहलाएंगी, जीनोटाइप कहलाएंगी। इसके बाद है फिनोटाइप। द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप।
ऑब्जर्व करके देखना, जैसे कि हम किसी भी को देख रहे हैं कि हाँ कोई हाइट में टॉल है, शॉर्ट है, किसी की मीडियम हाइट है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे बता पा रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व करके देख के हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करेक्टर्स जिसको हम देख के उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल वेरीज विथ चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। नाउ फिनोटाइप्स जो है ये हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस से अफेक्ट हो सकते हैं, उससे ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स, ठीक है। सो एनी हेरिटेबल फीचर इज अ कैरेक्टर, मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा है उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। वहीं कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, सो द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेड्स, जैसे सच एज कलर ऑफ आईज। अब हमारा आई कलर, ठीक है, ये क्या है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। नाउ आई कलर मे बी ब्राउन और ब्लू, यहाँ पे जो हम दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स इसके रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे कहेंगे जो हम जो दो ऑप्शंस दे रहे हैं कि ब्राउन एंड ब्लू, ये दो आई कलर्स हो सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, ये इस आई कलर कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हो गए, ठीक है। जैसे देखते हैं हम यहाँ पे हमने लिया आई कलर, ठीक है, आई कलर क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया जो कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास ऑन करता है। वहीं आई कलर के अल्टरनेटिव्स जैसे कि ब्राउन या ब्लैक कलर, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए इस कैरेक्टर के ट्रेड्स। इसी तरीके से हम बात करते हैं स्किन कलर की, ठीक है। स्किन कलर क्या है, स्किन कलर एक कैरेक्टर है, एंड स्किन कलर फेयर और मीडियम और डार्क, ये क्या हो गए, ये इस कैरेक्टर के ट्रेट्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज होती है कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। इसके बाद नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, ठीक है। यहाँ पे हमें किसके रेफरेंस में बताना है, फिनोटिपिक रेशियो इन एफ टू जनरेशन। सो मोनोहाइब्रिड क्या है, अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वन कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, जैसे मेंडल ने सबसे पहले जब प्लांट पी प्लांट की स्टडी करी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर्स लिए, जैसे कि उन्होंने क्या लिया, टॉल एंड डॉर्फ, ये कैरेक्टर्स लिए प्लांट के। नाउ टॉल एंड डॉर्फ ये दो क्या है, ये दोनों ट्रेट्स हैं, ठीक है, किसके ट्रेट्स हैं, प्लांट हाइट के, ये दोनों प्लांट हाइट के ट्रेट्स हैं। तो यहाँ पे प्लांट हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो मोनोहाइब्रिड क्या होता है, मोनोहाइब्रिड वो होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, चाहे हम प्लांट हाइट ले लें यहाँ पे, या प्लांट कलर ले लें, या प्लांट शेप ले लें, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा गया, हमें इसका फिनोटिपिक रेशियो बताना है इन एफ टू जनरेशन, ठीक है। सो इसका फिनोटिपिक रेशियो एफ टू जनरेशन में क्या होगा, सो ये होगा 3:1, ठीक है, जहाँ पे तीन टॉल प्लांट्स होंगे एंड एक क्या होगा, डॉर्फ प्लांट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। सो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ वन कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, उसी तरीके से डाईहाइब्रिड का मतलब हुआ स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स। यहाँ पे हम टू कैरेक्टर्स को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स क्या ले सकते हैं, सबसे पहला ले लेते हैं हम प्लांट कलर एंड दूसरा हम ले लेते हैं प्लांट शेप, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए
डायहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स को ले रहे हैं तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस में आएगा, ठीक है। अब एफ टू जनरेशन में इसका फिनोटाइप क्या आएगा, जिसका फिनोटाइप हो जाएगा 9:3:3:1, ये हो गया मेरा डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ हमारे ये तीनों डिफरेंसेस जो है ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अमंग लॉयन टाइगर एंड डोमेस्टिक कैट ऑल थ्री हैव सेम नंबर ऑफ 38 क्रोमोसोम्स, येट दे हैव डिफरेंट अपीयरेंस, हाउ डू यू अकाउंट फॉर सच डिफरेंसेस। ये कह रहा है कि लॉयन टाइगर एंड डोमेस्टिक कैट, इन तीनों के पास 38 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, बट स्टिल इनके जो अपीयरेंस है वो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस किस वजह से है, ठीक है। सो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से कोई भी चीज़ हमारा कैरेक्टर्स या हम कौन सी चीज़ अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं, हमारे जीन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जीन है जो डिसाइड करता है कि कोई इंडिविजुअल किस तरीके के कैरेक्टर्स को शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें किस पे डिपेंड है, जीन पे डिपेंड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिपेंड नहीं होती, ठीक है। तो आंसर क्या है मेरा, ऑल दो लायन टाइगर एंड डोमेस्टिक कैट ऑल हैव थ्रीज हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बट दे डिफर इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द हेरिडिटी कैरेक्टर्स। हेरिडिटी कैरेक्टर्स किस पे डिपेंड करता है, जीन्स पे डिपेंड करता है, ना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा, लिस्ट एनी थ्री फीचर्स ऑफ गार्डन पी विथ देयर डोमेस्टिक एंड रेसेसिव ट्रेट्स। हमें गार्डन पी के डोमेस्टिक एंड रेसेसिव ट्रेट्स बताने हैं कोई भी तीन। तो सबसे पहला फीचर हमने ले लिया है प्लांट हाइट का, जहाँ पे डोमिनेंट क्या है प्लांट हाइट, टॉल, एंड रेसेसिव है डॉर्फ। वहीं फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर डोमिनेंट है पर्पल एंड रेसेसिव है वाइट। फ्लावर पोजिशन डोमिनेंट है एक्सियल एंड रेसेसिव है टर्मिनल। सीड शेप डोमिनेंट कौन सा है, राउंड, एंड रेसेसिव कौन सा है, रिंकल। इसके बाद एक्सप्लेन व्हाई जनरली ओनली द मेल चाइल्ड सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस नॉट फीमेल, ठीक है। यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि जनरली मेल्स चाइल्ड को ही कलर ब्लाइंडनेस होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। सो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, इट इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। और वो भी कैसा डिसऑर्डर है, रेसेसिव है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस का जीन हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या आ गया, कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया, ठीक है। एंड वाई के ऊपर इस तरीके का कोई जीन है ही नहीं, तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेल कैसा हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा कलर ब्लाइंड, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बचने का। एक जीन था, अब वही जीन अफेक्ट हो गया तो ऑब्वियस ही बात है वो करेक्टर अपने आप को शो करेगा ही कलर ब्लाइंडनेस का। तो यहाँ पे मेल कैसा हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया। बट अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के पास क्या होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि एक्स लिंक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ हमने दिखा दिया कि फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन था कलर ब्लाइंडनेस का वो अफेक्टेड हो गया, एंड नाउ ये हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, ये कैसा है, रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब फीमेल के दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स जो होंगे वो कलर ब्लाइंडनेस के हो जाएंगे, ठीक है। जिस दिन ये वाली पॉसिबिलिटीज शो होगी फीमेल्स में, उसी दिन वो क्या शो करेंगी, कलर ब्लाइंडनेस शो करेंगी। बट इसका जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं एज कंपेयर टू मेल्स। जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि जो हमारी फीमेल्स हैं वो क्या बनती हैं, वो कैरियर ही बनती हैं, ठीक है।
जनरली ऐसा होता है फीमेल्स की केस में, बट मेल्स के केस में मेल्स कभी भी कैरियर नहीं बनते, वो हमेशा ही जो है उस चीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं एंड उन्हें वो पार्टिकुलर डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम दो केसेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, केस नंबर वन है जहाँ पे हम नॉर्मल फीमेल की क्रॉसिंग कराएंगे एक अफेक्टेड मेल से। ठीक है, ये एक नॉर्मल फीमेल है, यहाँ पे हम अफेक्टेड मेल ले लेते हैं, यहाँ पे इनका एक्स क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड है, यहाँ पे नॉर्मल फीमेल जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम गैमेट्स बना लेते हैं। ये एक्स क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करेगा, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये बना, ये एक्स क्रोमोसोम इस वाई क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करेगा, सेकंड कॉम्बिनेशन ये बना। नाउ ये क्रॉसिंग होगी, थर्ड कॉम्बिनेशन एंड इस तरीके से बन गया हमारा फोर्थ कॉम्बिनेशन। तो ये चारों क्या बने, ये चारों बन गए, चार ऑफस्प्रिंग्स बन गए। ठीक है, ये फीमेल बनी है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये एक फीमेल डॉटर है। इस डॉटर के एक क्रोमोसोम के ऊपर क्या आ गया, कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया। ठीक है, अब इसकी वजह से ये क्या बन गई, कैरियर बन गई। ठीक है, ये खुद अफेक्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसके दोनों क्रोमोसोम पे जब तक कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं आएगा तब तक फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फीमेल जो है कैरियर बन गई, यहाँ मेल क्या बना है, मेल एक नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल मेल बन गया, वहीं दूसरी तरफ ये फीमेल भी कैसी बनी है, कैरियर बनी है। वहीं ये जो सन बना है, ये सन कैसा बना है, ये बन गया है नॉर्मल। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि एक अफेक्टेड फादर हमेशा जीन ट्रांसफर करता है अपनी डॉटर में। ठीक है, बट डॉटर या तो वो कैरियर बन जाएगी या तो वो खुद अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, कैरियर मोस्टली बनती है फीमेल्स, क्योंकि उनके सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है। फीमेल अफेक्टेड तब होगी जब उनकी मदर के पास भी एक क्या होगा, जीन होगा कलर ब्लाइंडनेस का। उस केस में ये हो सकता है कि फीमेल जो है खुद कलर ब्लाइंड बन जाए। इसके बाद हम केस नंबर टू देखते हैं, यहाँ पे हम अफेक्टेड मदर लेते हैं एंड इनके साथ हम लेते हैं एक नॉर्मल फादर। ठीक है, यहां आ गया एक्स वाई, यहां आ गया अफेक्टेड। ठीक है, यहां पे भी हम सेम पहले की तरह गैमेट्स बना लेते हैं, ये बन गया फीमेल, मेल, फीमेल एंड मेल। ठीक है, इस तरीके से ये क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ पे भी ये F1 जनरेशन में चार प्रोजेनिस बनी है। ये क्या बनी है, ये बन गई है एक डॉटर। यहाँ डॉटर क्या बनी है, डॉटर बनी है यहाँ पे कैरियर। ठीक है, वहीं यहाँ सन क्या बन गया, सन हो गया अफेक्टेड। क्यों, क्योंकि इसके पास एक्स क्रोमोसोम कौन सा वाला आ गया, इसके पास एक्स क्रोमोसोम आ गया मदर वाला, वो भी वो एक्स क्रोमोसोम जो कैरियर था कलर ब्लाइंडनेस से। वहीं ये डॉटर कैसी बन गई है, ये डॉटर बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, एंड ये जो सन है ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो दोनों केसेस में जो हमने एक चीज नोट करी वो ये था कि हमेशा फादर अपनी डॉटर को अफेक्टेड जीन पास ऑन करते हैं एंड एक मदर हमेशा अपने सन को अफेक्टेड जीन ट्रांसफर करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहला है पेडिग्री चार्ट। ठीक है, सो पेडिग्री क्या होती है, सो पेडिग्री इज अ स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट फॉर प्रेजेंटिंग अ फैमिली ट्री। ठीक है, जब भी हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपना ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद हम आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स पे। उसके बाद हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, उसके बाद उनके चिल्ड्रंस की बात हो रही है, उसके बाद होती है ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात। तो इस तरीके से एक पूरा हम ट्री बना लेते हैं जहाँ पे हम अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो चार्ट डिजीज के लिए बनता है उसे हम पेडिग्री चार्ट कहते हैं। ठीक है, पेडिग्री चार्ट इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो अ क्विक शॉर्ट हैंड फॉर अ फिजिकल और जेनेटिक काउंसलर टू टेक डाउन द फैमिली हिस्ट्री इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल विथ स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर फीमेल सर्कल मेल स्क्वायर मेटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग ऑफ मेटिंग वर्टिकल लाइन डाउन फ्रॉम मेटिंग विथ हॉरिजॉन्टल लाइन टू शो सिप्स ट्विंस एक्सेट्रा द सिंबल फॉर इंडिविजुअल्स शोइंग द ट्रेड इन क्वेश्चन आर शेडेड इवन इफ सच डाटा इज लिमिटेड एंड इनकम्प्लीट एज इट यूजली इज इन रियल फैमिली। अ पेडिग्री चार्ट अलाउ ट्रेड टू बी फॉलोड थ्रू सेवरल जनरेशन एंड मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड लाइकलीहुड ऑफ ट्रांसमिशन टू बी डिलीवर्ड। यहाँ क्या बता रहे हैं, हम पेडिग्री चार्ट क्यों बना रहे हैं। पेडिग्री चार्ट जनरली जो है किसी भी जेनेटिक या फिजिकल डिसऑर्डर को देखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, वो पेडिग्री चार्ट बनाते हैं। अगर उन्हें किसी भी पार्टिकुलर टाइप की डिसऑर्डर की स्टडी करनी है कि उस फैमिली में वो डिसऑर्डर कहाँ से आया होगा, तो उसके लिए वो एक पेडिग्री चार्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पेडिग्री चार्ट में सर्कल यूज़ करा जाता है फीमेल्स को इंडिकेट करने के लिए, स्क्वायर साइन को हम यूज़ करते हैं मेल्स के लिए। ठीक है, अगर हमें मेल एंड फीमेल के बीच में मेटिंग करानी है तो वहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि कोई एक इंडिविजुअल वो किसी भी पार्टिकुलर टाइप के डिजीज से अफेक्टेड है, तो उसके लिए हम उसे जो है क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। इट शोज पर्सन इज अफेक्टेड मेल्स के लिए भी एंड फीमेल्स के केस में भी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, अफेक्शन शो करेगा। वहीं अगर हमें क्या शो करना है, ऑफ स्प्रिंग्स दिखाने, तो उसके लिए चार्ट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पेरेंट्स के बीच में मेटिंग कराते हैं एंड उसके बाद उनके जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उन सभी को हम उस पेडिग्री चार्ट के थ्रू जो है शो करते हैं। अब यहाँ जो भी ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड होगा या पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे उसे यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है पेडिग्री चार्ट के थ्रू जो है हम डिजीज को एनालाइज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। यहाँ फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशंस। सो स्मॉल डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, किसी भी एक इंडिविजुअल में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हर दो ह्यूमन बीइंग, एक फैमिली में बात करें या हम सिबलिंग्स में बात करें, तो दोनों सिबलिंग्स जो है एक दूसरे से काफ़ी एस्पेक्ट्स पे एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस उनमें क्या से आया, ये आया वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, सो देर आर सो मैनी ब्रीड्स ऑफ ईच वन ऑफ दैम एंड इवन इन द सेम ब्रीड देयर द माइनर डिफरेंस एंड वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स आर विजिबल। ठीक है, अब ये जो वेरिएशन आ रही है, ये वेरिएशन किसकी वजह से आ रही है। ठीक है, अब तो ये वेरिएशन का मोस्टली जो रीजन है वो है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, वेरिएशंस हमें इंडिविजुअल्स में देखने को मिलती हैं रिकॉम्बिनेशन की वजह से, जो कि कहाँ होता है, सेल साइकिल में होता है। सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है, मियोसिस में होता है। कौन से मियोसिस में होता है, मियोसिस टू के टाइम पे रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस आते हैं। इसके बाद है म्यूटेशन। सो म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स और इन द नंबर और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन हमारे जीन में या हमारे क्रोमोसोम में या हमारे क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ जाना। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने जीन की। ठीक है, जीन में कैसे म्यूटेशन हो सकता है, ये हमारा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है एंड इस तरीके से हम उनकी क्या करते हैं,
न्यूक्लियोटाइड बेसिस की हमारी पेयरिंग होती है। ठीक है, ए के साथ हमें पता है हमेशा थायमिन आएगा, थायमिन के साथ हमेशा एडिनिन आएगा, एडिनिन के साथ भी हमेशा थायमिन आएगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन आएगा। ठीक है, बट म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, साइटोसिन के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ग्वानिन आना चाहिए था, बट म्यूटेशन ने क्या कर दिया, साइटोसिन की जगह के साथ यहाँ पे पेयरिंग के लिए क्या कर दिया, साइटोसिन ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, साइटोसिन के साथ साइटोसिन ही आ गया। तो ये जो डिफरेंसेस आया ना, इस डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये म्यूटेशन हम कैसे देख सकते हैं, अगर हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो नॉर्मली हम ह्यूमंस में पढ़ते हैं कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल के पास 46 प्लस 1 क्रोमोसोम आ जाए, या 46 माइनस 1 क्रोमोसोम आ जाए, या 46 प्लस 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाए। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, ये भी कहाँ ले जाती हैं हमें, म्यूटेशन की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, वहीं ऐसा भी हो सकता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। नॉर्मली हमारी बॉडी में हमें क्रोमोसोम जिस तरीके से दिखते हैं, वो स्ट्रक्चर में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस की वजह से भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमने तीन कंडीशंस पढ़ ली म्यूटेशन की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जीन में न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया, उसकी वजह से म्यूटेशन आ गई। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर में चेंज हो गया, उसकी वजह से म्यूटेशन आ गई, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से म्यूटेशन आ गई। इसके बाद है, स्टेट द थ्री मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब हमें मेंडल ने तीन अपने लॉज जो दिए थे उन्हें बताना है। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, सबसे पहला मेंडल का लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, विच सेज आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन सप्रेस्ड। मेंडल यहाँ पे ये कह रहे हैं, जब भी दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स एक साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ऐसा होता है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, एंड दूसरे कैरेक्टर दूसरे पेयर को जो है वो सप्रेस कर देता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट का। ठीक है, हमने कैरेक्टर ले लिया है प्लांट हाइट। ठीक है, एंड इसके दो ट्रेट्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी की वजह से क्या होगा, प्लांट की हाइट जो है वो टॉल होगी, स्मॉल टी की वजह से ये क्या होगी, ये डॉर्फ होगी। अब इन दोनों के बीच में जो है हमने क्रॉसिंग ओवर करा दिया, इसकी वजह से हमें जो कॉम्बिनेशन मिला वो कुछ इस टाइप का मिला, जहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी था कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, दोनों ही जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करें। ठीक है, बट क्या होता है, कैपिटल टी जो है ये ओवर एक्सप्रेस करता है अपने आप को। ठीक है, एंड स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है। इसकी वजह से ये प्लांट कैसा होगा, हाइट में ये आ जाएगा टॉल। इसी को मेंडल ने नाम दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहां पे एक कैरेक्टर अपने आप को शो करता है एंड दूसरे कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज को सप्रेस कर देता है। ठीक है, द वन दैट एक्सप्रेसेस इज द डोमिनेंस इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द वन अनएक्सप्रेस्ड इज द रिसेसिव। ओके, तो जिसने अपने आप को एक्सप्रेस करा उसे हमने डोमिनेंट कहा, एंड जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसे हमने रेसेसिव कहा। द रेसेसिव कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस ओनली व्हेन द पेयर कंसिस्ट ऑफ बोथ रेसेसिव आर प्रेजेंट। अब ये बताओ कि रेसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस कर सकता है, तो रेसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब दोनों एक पेयर में प्रेजेंट हो। ठीक है, जब दोनों एलील्स एक साथ एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तभी रेसेसिव अपने आप को शो कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ। ठीक है, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे दो फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट ब्लेंड बट सेग्रीगेट और सेपरेट इनटू डिफरेंट गैमेट्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है,
एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक प्लांट है जिसके पास हेटरोजाइगस गैमेट है, ठीक है, ये हेटरोजाइगस है, यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमें गैमेट्स बनाने हैं, तो गैमेट्स बनाने के लिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है कि दोनों ही आपस में मिक्स करके एक गैमेट बना दी, नहीं, यहाँ पे दोनों ही फैक्टर्स जो होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट होके क्या बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे गैमेट्स, ठीक है। इसके बाद है द गैमेट्स कंबाइन टुगेदर बाय रैंडम फ्यूजन एट द टाइम ऑफ जायगोट फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो गैमेट्स हैं ये रैंडमली फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ एंड किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एक जायगोट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में हम क्या देखते हैं, मेल्स के पास एक्स वाई कॉम्बिनेशन है एंड फीमेल्स के पास एक्स एक्स कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बनाने हैं, गैमेट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टर्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। उसके बाद ये आपस में जो है फ्यूज कर सकते हैं, कैसे, एक्स फ्रॉम मेल एंड एक्स फ्रॉम फीमेल मिलके क्या बना देगा, एक गैमेट बना देगा, सॉरी एक जायगोट बना देगा, ठीक है, किससे हुआ, फ्यूजन से हुआ। वहीं दूसरी तरफ वाई फ्रॉम मेल एंड एक्स फ्रॉम फीमेल मिलके क्या बना देगा, एक मेल बना देगा, ये भी क्या है, जायगोट के फॉर्मेशन के थ्रू हुआ, ठीक है। सो गैमेट फॉर्मेशन का जो कैसे होती है, ये किससे पता चलता है, हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। इसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है, व्हेन देयर आर टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर ऑफ वन पेयर इनटू द गैमेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पेयर, क्या, जब भी हम कोई एक डायहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, ठीक है, एक डायहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं हमेशा, यहां हम कैरेक्टर ले लेते हैं पॉड शेप एंड साइज, ठीक है, पॉड शेप सॉरी कलर ले लेते हैं, ठीक है, तो पॉड शेप हम ले रहे हैं रिंकल एंड राउंड, और पॉड कलर हम ले रहे हैं येलो एंड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे रिंकल कैसा है, ये एक रेसेसिव कैरेक्टर है, राउंड जो है ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसी तरीके से येलो जो है ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड ग्रीन एक रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। सो कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड एंड कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को, सेकेंड कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर रिप्रेजेंट करेगा रिंकल को एंड स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन को, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, गैमेट्स बनाने, ठीक है, तो यहाँ क्या है कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, अगर हम इसी की बात करें तो ये दोनों क्या है, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो सेपरेशन होता है वो एक दूसरे से इनडिपेंडेंट होता है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट करेंगे। उसी तरीके से अगर हमें गैमेट बनाना है तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ आते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो ये किसी भी दूसरे पेयर पे डिपेंडेंट नहीं होते, इनका जो सेपरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एंड इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो कि है डज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन द फादर और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, यहाँ ये कहा जा रहा है कि किसी एक ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, वो एक मेल है या फीमेल है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये एक फादर पे डिपेंड करता है या ये सिर्फ और सिर्फ चांस की बात है। सो आंसर इज नो, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड
does not depend on parents. It is just a matter of chance. Sex of the child depend upon the kind of sperm that fertilizes the egg. The egg contains only X chromosome, but half of the sperm released into the female are X bearing and remaining half are Y bearing. It is simply a matter of chance at which category of sperm fuse with the ovum. यहाँ ये क्या explain कर रहे हैं हमें, ये बता रहे हैं कि अगर हम females की बात करें तो females के पास सिर्फ और सिर्फ दो X chromosomes होते हैं, ठीक है। वहीं males के केस में क्या है, इनके पास एक X और एक Y chromosomes होता है, ठीक है। सो फीमेल जब gametes बनाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम ही रिलीज होता है, बट मेल्स के पास क्या है, यहाँ पे इनके पास दो क्रोमोसोम्स है, इट मीन्स इनके पास दो ऑप्शंस है, ठीक है। ये X क्रोमोसोम भी रिलीज करते हैं एंड Y क्रोमोसोम भी रिलीज करते हैं, दोनों कितना 50-50% अमाउंट में रिलीज होते हैं, ठीक है। नाउ अब इस फीमेल X क्रोमोसोम को, ये कहें इस फीमेल एग को कौन सा क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेगा, ये डिपेंड करता है चांस पे, ठीक है। अगर एक्स स्पर्म पहले इसको फर्टिलाइज कर देगा तो ऑफस्प्रिंग हमारा क्या बन जाएगा, डबल एक्स के साथ ये बन जाएगी एक गर्ल, ठीक है। और अगर इसको एक वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने पहले फर्टिलाइज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एंड वाई कॉम्बिनेशन के साथ एक बॉय, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम पहले पहुंचता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, फर्स्ट इज कैरियोटाइप एंड कैरियोकाइनेसिस। अब हमें कैरियोटाइप एंड कैरियोकाइनेसिस इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है कि दोनों क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले कैरियोटाइप की बात करें तो यहाँ पर हम जो कैरियोटाइप में वर्ड कैरियो है, कैरियो का मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियो वर्ड जहां भी आएगा इसे हम समझेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, ठीक है। तो कैरियोटाइप टर्म हम यूज करते हैं उस केस में जब हम एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उन सभी के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिकली उन्हें अरेंज करते हैं उनके ऑर्डर में, उस पूरे स्टेज को हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। द टर्म कैरियोटाइप इज गिवन टू ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोटाइप। वहीं कैरियोकाइनेसिस क्या है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं तो उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे कि एक सेल में जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा होता है इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। नाउ ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला है क्रोमोसोम्स दैट डू नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि किसी इंडिविजुअल को सेक्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते उन क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। एंड वो क्रोमोसोम्स जो किसी इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि वो एक मेल है या फीमेल बनेगा उसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ऑटोसोम्स विल बी सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो मेल एंड फीमेल्स दोनों में सेम होते हैं। डिफरेंस किन की वजह से आता है, सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से आता है जो कि डिफरेंट होते हैं मेल्स में एंड इन फीमेल्स। एग्जाम्पल क्या है ऑटोसोम्स का, ह्यूमन बींग्स हैव 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स वेयर एज ह्यूमन बींग्स हैव 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मतलब 22 क्रोमोसोम्स जिसे हम ऑटोसोम्स कह रहे हैं वो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में सेम होंगे, ठीक है। अब अगर एक मेल इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होनी है तो वहाँ पे 22 ऑटोसोम्स के साथ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम और अटैच होगा जिसे हम 23rd पेयर कहेंगे क्रोमोसोम का, वो क्या होगा, एक्स एंड वाई होगा जो कि डिटरमाइन करेगा कि एक इंडिविजुअल अब क्या बनने वाला है, वो मेल बनने वाला है। अगर हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो फीमेल्स के केस में 22 ऑटोसोम्स के साथ एक 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो आता है वो होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम जो कि एक फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। नाउ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम एलील्स ऑफ जीन
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेम एलील्स ऑफ जीन्स होते हैं उन्हें हम होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस का मतलब ये होता है एक जैसा। वही हेटरोजाइगस क्या है, वो जहाँ पे डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं एक जीन के। एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया है कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी कैसा, डोमिनेंट कंडीशन। वहीं पे स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी होमोजाइगस रिप्रेजेंट कर रहा है बट क्या, रेसेसिव कंडीशन शो कर रहा है। हेटरोजाइगस में क्या आया, हेटरोजाइगस में दो डिफरेंट एलील्स आ गए जीन के, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हेटरोजाइगस रिप्रेजेंट करेंगे, हैव एन एलील ऑफ टॉलनेस एंड एन एलील ऑफ डॉर्फनेस। वहीं फिनोटाइप की अगर हम बात करें, सो फिनोटाइप इज सेम एज गैमेट्स, ठीक है। फिनोटाइप्स होमोजाइगस में सेम होते हैं एज जीनोटाइप के। टॉल प्लांट्स हैज कैपिटल टी एंड डॉर्फ प्लांट हैज स्मॉल टी फिनोटाइप। वहीं हेटरोजाइगस में फिनोटाइप जो होता है वो सेम नहीं होता जीनोटाइप के। यहाँ क्या होता है, टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जीनोटाइप होगा हेटरोजाइगस कंडीशन में। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एप्लीकेशन एंड स्किल टाइप क्वेश्चंस हैं। इन अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल ब्लैक फर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन फर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी। प्रिडिक्ट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैपिटल बी स्मॉल बी और हैव हेटरोजाइगस ब्लैक फर। यहाँ पे हमें एक एनिमल बताया जा रहा है जिसके ब्लैक फर है। यहाँ पे ब्लैक फर कैसा है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, किसके ऊपर, ब्राउन फर के ऊपर, ठीक है। नाउ हमें जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बताना है ऑफस्प्रिंग का, जहाँ पे उसके दोनों पेरेंट्स के पास क्या कॉम्बिनेशन है, हेटरोजाइगस कॉम्बिनेशन है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी का, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये पेरेंट टू हो गए और ये हो गए पेरेंट वन, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल बी क्या है, ये डोमिनेंट है, मतलब ब्लैक फर वाला है। दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे, वो ब्लैक फर वाले होंगे। अब सबसे पहला हमारा क्या काम है, गैमेट्स बनाना, ठीक है, गैमेट्स बनाना है। तो दोनों एलील्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, कैपिटल बी आपस में इनकी क्रॉसिंग होगी, ये कॉम्बिनेशन बना, ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी क्रॉसिंग हुई, एक ये कॉम्बिनेशन बना, उसी तरीके से इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुई, ये कॉम्बिनेशन बना, एक हमारा फोर्थ एंड लास्ट कॉम्बिनेशन ये बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी F1 जनरेशन बनी उससे हमें चार प्रोजेनीज मिली, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेनी कैसी है, ये कैसी है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस कैसी, होमोजाइगस ब्लैक बनी ये, ठीक है। ये कैसी बनी, ये बनी हेटेरोजाइगस, ठीक है। सेम ये भी कैसी बनी, हेटेरोजाइगस। ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों भी ब्लैक हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बी है, कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट है। एंड जो हमारी फोर्थ प्रोजेनी बनी, ये कैसी बनी, ये बनी ब्राउन, क्यों, क्योंकि ये कैसी है, यहाँ पे है होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है, ये है होमोजाइगस रेसेसिव। हमें क्या बताना है, हमें इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बताना है, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, सबसे पहले होमोजाइगस डोमिनेंट सिर्फ एक है, हेटेरोजाइगस ब्लैक दो है, होमोजाइगस रेसेसिव ब्राउन सिर्फ कैसा है, एक है, ठीक है। तो मेरा जीनोटाइप क्या बना, 1:2:1 बना। एंड मेरा फिनोटाइप क्या बनेगा, ब्लैक कितने हैं, तीन है, ब्राउन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो ये मेरा क्या बना, फिनोटाइप विच इज 3:1। तो इस तरीके से हम अपना जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू पेयर्स, पेयर ए एंड पेयर बी ऑफ रैबिट्स वे क्रॉस्ड एज गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे दो पेयर्स बता रहे हैं जहाँ पे एक रैबिट जो है वो वाइट मेल है, दूसरा ब्लैक फीमेल है, ये पेयर वन है, जिनसे जो ऑफस्प्रिंग आया है वो कैसा है, वो मेल है। मेल कैसा आया, ये आया है ब्लैक कलर का, ठीक है। इट मीन्स ब्लैक कैसा होगा, वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ पेयर बी जो है, यहाँ पे ब्लैक मेल एंड वाइट फीमेल है, यहाँ भी ऑफस्प्रिंग कैसी है, फीमेल है, फीमेल आई, बट वो कैसी आई है, ब्लैक आई है। इट मीन्स यहाँ पे भी ब्लैक कैसा है,
ब्लैक डोमिनेंट है ओवर व्हाइट, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन यू टेल विच कोट कलर। अब हमें ये बताना है कि इनका कलर कैसा है, तो इनका कलर ऑब्वियस ही बात है, हम क्या देख पा रहे हैं, ब्लैक आया है, ठीक है। आंसर हो गया मेरा ब्लैक। इज द कोट कलर सेक्स लिंक्ड। अब ये पूछा जा रहा है इन दोनों ऑफस्प्रिंग का जो कलर है वो इनके सेक्स पे लिंक्ड है, मतलब जो इनके पेरेंट्स सेक्स के जो सेक्स है उस पे लिंक्ड है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल थी वो ब्लैक थी, बट जो ऑफस्प्रिंग आया वो क्या है, वो मेल है। उसी तरीके से पेयर बी में जो मेल था वो ब्लैक था, एंड जो ऑफस्प्रिंग आई वो क्या है, वो एक फीमेल आई, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नो। इसके बाद नेक्स्ट इज मेक अ पुनेट स्क्वायर ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स इन द प्रोजेनी ऑफ अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन। ओके, हमें एक पुनेट स्क्वायर बनाना है, बना के हमें डिफरेंट जीनोटाइप के प्रोपोर्शंस निकालने हैं, ठीक है, एक प्रोजेनी में जेनेटिक क्रॉसिंग के थ्रू। सबसे पहला है क्या, अ प्योर टॉल पी प्लांट विथ प्योर डॉर्फ प्लांट, ठीक है। सबसे पहले हम एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं इसके लिए। अब हमें क्या कहा गया है कि प्योर टॉल प्लांट है एंड प्योर डॉर्फ प्लांट है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें गैमेट्स बनाने होंगे। तो यहाँ पे दो गैमेट्स बन गए, कैपिटल टी के, उसी तरीके से यहाँ पे स्मॉल टी के दो गैमेट्स बन गए, ठीक है। अब एक एक पेरेंट के गैमेट्स को हम एक एक कॉलम में अरेंज करेंगे। यहाँ कैपिटल टी, यहाँ आ गया स्मॉल टी, ठीक है। अब इनकी जो है हम क्रॉसिंग करके एक एक सब कॉलम में अरेंज करेंगे। तो यहां हमें क्या मिली, यहां पे हमें मिली फोर प्रोजेनीज, ठीक है। इन चारों प्रोजेनीज का हमें क्या बताना है, हमें जीनोटाइप बताना है। तो इनका जीनोटाइप कैसा आएगा, यहां पे एक भी हमें प्योर पॉपुलेशन नहीं मिली है। हमें सारे कैसे मिले, हमें सारे जो है हेटरोजाइगस मिले हैं, हेटरोजाइगस मिले हैं। वो भी कैसे हैं सारे के सारे, हमें क्या है हमारी, ये है हमारी F1 जनरेशन है, जहाँ पे सारे के सारे प्लांट कैसे आए हैं, टॉल आए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन का हम सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक है। F1 जनरेशन के अब हम कराएंगे सेल्फ क्रॉसिंग, ठीक है। इसके लिए हमने एक पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करा एंड हर एक पेरेंट के गैमेट्स को हमने अलाइन करा, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉसिंग कर रहे हैं। सो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब हमें देखने को मिल रहा है कि हमें तीन टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं एंड एक हमें कैसा प्लांट मिल रहा है, डॉर्फ प्लांट मिल रहा है, ठीक है। अब इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, ठीक है। जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप है किसी भी इंडिविजुअल का। तो यहाँ पे कैपिटल टी सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी के दो प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं एंड स्मॉल टी का हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट देखने को मिला। तो यहाँ पे हमारा जीनोटाइप क्या बना, 1:2:1। इसके बाद हमसे पूछा, कहा गया है कि रेड फ्लावर वेरीज ऑफ वेराइटी ऑफ पी, ठीक है। रेड फ्लावर की हमें वेराइटी बतानी है विच इज कैपिटल आर विथ व्हाइट फ्लावर वेराइटी ऑफ स्मॉल आर, ठीक है। फिर से इसके लिए एक हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या है, रेड फ्लावर है एंड उसके साथ साथ क्या है, व्हाइट फ्लावर है, ठीक है। व्हाइट फ्लावर विच इज नोटेड बाय स्मॉल आर। तो उसी तरीके से फिर से हम यहाँ पे दो गैमेट्स ले लेते हैं। यहाँ पे भी फोर प्रोजेनीज मिली हमें, चारों की चारों कैसी हैं, हेटेरोजाइगस हैं एंड सब कैसी आएंगी, रेड कलर के सारे फ्लावर्स आएंगे यहाँ पे। ये है हमारी F1 जनरेशन, जहाँ पे सभी हमें रेड कलर के फ्लावर्स मिले हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन के लिए क्या होगा,
F1 जनरेशन प्रोजेनिस में हम सेल्फ क्रॉसिंग करा देंगे, ठीक है। तो मेरे ये कॉम्बिनेशन थे F1 जनरेशन के, तो यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल R एंड R बनेंगे, ठीक है। तो दोनों पेरेंट्स के हम गैमेट्स को ऐसे अरेंज करेंगे एंड इनके बीच में हम क्या कराएंगे, क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिली, F2 जनरेशन में हमें 4 प्रोजेनिस मिली। 4 प्रोजेनिस में से 3 जो है वो क्या शो कर रही हैं, रेड कलर शो कर रही हैं फ्लावर का, एंड एक प्रोजेनी क्या शो कर रही है, वाइट कलर ऑफ फ्लावर शो कर रही है, ठीक है। अब इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, इसका जीनोटाइप बनेगा कैपिटल आर, कैपिटल आर सिर्फ एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कॉम्बिनेशन 2 है, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इस केस में भी मेरा जीनोटाइप बना 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 पेरेंट्स एंड देयर 5 चिल्ड्रन एंड द पेडिग्री चार्ट बिलो शो द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट कलर ब्लाइंडनेस इन देम, ठीक है। यहाँ पे ये एक पेडिग्री चार्ट है जहाँ पे 2 पेरेंट्स के कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं, 5 ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट पूछा जा रहा है हु इज कलर ब्लाइंड इन द पेरेंट, द फादर और मदर। अब इस पेडिग्री चार्ट को देख के हमें ये बताना है कि फादर एंड मदर में से कौन अफेक्टेड है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या पता चलता है कि कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है या नहीं है। अगर उसे डार्क कलर से स्टेन करा जाता है, इट मीन्स वो कैसा है, अफेक्टेड है। तो यहाँ पे कौन अफेक्टेड है, यहाँ फादर अफेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे फादर अफेक्टेड है। तो मेरा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, फादर। उसके बाद है हाउ मैनी डॉटर एंड हाउ मैनी सन्स हैव बीन बॉर्न इन द फैमिली। अब इस फैमिली में कितने डॉटर्स हैं एंड कितने सन्स हैं, ठीक है। तो हम हमेशा मेल्स को स्क्वायर से डिनोट करते हैं एंड फीमेल्स को हमेशा हम सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डॉटर्स कितनी हैं, 1, 2, 3 डॉटर्स हैं। सन कितने हैं, 1 एंड 2, ओनली 2 आर सन्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन आगे मेरा 3 डॉटर एंड 2 सन्स। थर्ड इज व्हाट डज द चाइल्ड 1 इंडिकेट अबाउट दिस ट्रेट। अब चाइल्ड 1 जो है वो इस ट्रेट के बारे में क्या बता रहा है, ठीक है। चाइल्ड 1 कैसा है हमारा, अफेक्टेड है, ठीक है, और ये कौन है, डॉटर है, ठीक है। तो चाइल्ड 1 हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो है फादर से डॉटर में क्या आया, कलर ब्लाइंडनेस का जीन आया, मतलब शी इज कलर ब्लाइंड। नेक्स्ट इज ऑन विच क्रोमोसोम इज द जीन ऑफ दिस ट्रेट लोकेटेड। अब यहाँ पे हम किस ट्रेट की बात कर रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस हमने पढ़ा है कैसा ये डिजीज है, ये एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, एंड ये हमारे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। आंसर आ गया हमारा, द जीन फॉर दिस ट्रेट इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। उसके बाद नेम वन अदर ट्रेट इन ह्यूमंस विच फॉलोज द सेम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के अलावा ह्यूमंस में कौन सा ऐसा ट्रेट है जो कि सेम इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, उसमें मेरा आंसर आएगा हीमोफीलिया, क्योंकि हीमोफीलिया में भी हमें सेम पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जो कि हम कलर ब्लाइंडनेस में देखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो कि इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने कैसे करे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू।